हापुड़ की दिल्ली रोड पर स्थित श्री बालाजी धाम पहुंचे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 परम पूज्य श्री महंत भैया जी महाराज ने श्री बालाजी महाराज के दर्शन किए और कहा कि मंदिर बेहद भव्य और दिव्य है। बालाजी महाराज के गर्भगृह के आसपास लगी देवी देवताओं की प्रतिमा का हार बालाजी महाराज के गले में है। हरिद्वार जा रहे महामंडलेश्वर हापुड़ के बालाजी धाम रुके, जहां उन्होंने सबसे पहले बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार, श्री राम दरबार, नौ देवियां, पार्वती मैया, नवग्रह, गंगा मैया, तुलसी मैया, भोले बाबा आदि के दर्शन किए। बालाजी धाम यथा नाम तथा गुण है, उसकी भव्यता दिव्यता चारों तरफ भगवान के जो स्वरूप हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे बालाजी महाराज के गले में हार डाल रखा है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्रतिमा के गले में हार डालते हैं फूलों का, लेकिन महाराज जी ने यहाँ पूरी कि इधर गंगा मैया हैं, कि इधर भोले बाबा हैं या उधर माँ पार्वती के स्वरूप हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे बालाजी महाराज मध्य में हैं और उनके गले में एक हार पिरोकर डाला गया है, और वो भी देव प्रतिमाओं का। तो उसकी तो व्याख्या बस इतनी कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी और व्याख्या की आवश्यकता। हरिद्वार में, हरिद्वार ज्वालापुर में मदन मोहन मालवीय धर्मशाला है, उसमें हमारे हरिद्वार हर की पौड़ी के जो कुल पुरोहित हैं या वहाँ के पुरोहित समाज है, वो मेरे साधक हैं। तो वहाँ उन लोगों ने एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा है, और वो मेरे जीवन काल की 659वीं कथा है, मेरे जीवन काल की 659वीं कथा है। और कल ही गुड़गांव में हम कथा विश्राम करके आए। उन्होंने बताया कि वह हरिद्वार के ज्वालापुर जा रहे हैं, जहाँ वह श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। ये उनके जीवन की 659वीं कथा है। इस दौरान भक्तों ने महामंडलेश्वर श्री महंत भैया जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर श्री बालाजी धाम के पीठाधीश्वर यशवर्धन आचार्य और मंदिर के मुख्य पुजारी अमित मिश्रा आदि उपस्थित रहे।